हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो V21 स्मार्टफोन के बारे में, जो कि ऑफिशियल इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है। और गाइस, ये स्मार्टफोन काफी बेटर स्मार्टफोन होने वाला है, क्योंकि ये वीवो V20 का अपग्रेड वर्जन होने वाला है। और गाइस, अगर हम बात करें मलेशिया की, तो यहाँ पर ये पहले ही लॉन्च हो चुके हैं। वहां पर इसके दो वेरियंट लॉन्च किए गए हैं, वीवो V21 और वीवो V21e। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी कन्फर्म स्पेसिफिकेशन के बारे में और किस प्राइस रेंज में आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएगा। तो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी ही लेटेस्ट टेक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो गाइज, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें इसकी डिस्प्ले को लेकर, तो वहां पर आपको 6.44 इंचेस की फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। अच्छी बात ये होने वाली है कि वहां पर आपको 800 डिट्स तक की ब्राइटनेस देखने को मिलने वाली है। और गाइज, इस स्मार्टफोन में आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है, जबकि अगर हम बात करें वीवो V20 की, तो उसमें आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिल रहा था, तो ये इसका एक और अपडेट देखने को मिल जाता है। तो गाइज, इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो गाइज, अगर हम बात करें इसकी सेकंड हाईलाइट के बारे में, तो वो रहने वाला है इसके कैमरे के बारे में। यहाँ पर आपको काफी बेटर कैमरा फीचर देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको बैक साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है और फ्रंट में आपको यहाँ पर 44 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है। और अच्छी बात ये रहने वाली है कि यहाँ पर आपको दोनों ही तरफ OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। ये वर्ल्ड का फर्स्ट स्मार्टफोन होने वाला है जिसमें आपको सेल्फी कैमरा में भी OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें इसके बैक कैमरा सेटअप की, तो वहां पर आपको 64 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी सेंसर देखने को मिल जाता है। इसी के साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर भी देखने को मिल जाता है। और गाइज, इसी के साथ अगर हम बात करें वीवो V20 की, तो वहां पर आपको किसी भी कैमरा में OIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा था। इसी के साथ अगर हम बात करें इसके प्रोसेसर को लेकर, तो गाइज, पहले ये लीक आ रही थी कि इसमें आपको डायमेंसिटी 820 का चिपसेट देखने को मिल जाएगा, लेकिन गाइज, अब इसमें आपको 800U का चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि एक 5G चिपसेट है। और इसी के साथ यहां पर 8GB की रैम और 128GB की स्टोरेज कैपेसिटी भी मिलने वाली है। तो गाइज, यहीं पर अगर हम बात करें इसके एंड्रॉयड वर्जन की, तो यहां पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 देखने को मिल जाए। और इसी के साथ यहाँ पर आपको 4000 मिली एम्पायर की बैटरी कैपेसिटी भी मिलने वाली है, जो कि 33 वॉट के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करती है। सो गाइज, यहाँ पर अगर हम बात करें इसके डिजाइन को लेकर, तो ये स्मार्टफोन बहुत ही स्लिम स्मार्टफोन होने वाला है और ये बहुत ही लाइट वेट स्मार्टफोन दिखने वाला है। सो गाइज, बैक साइड डिजाइन की बात करें, तो यहाँ पर आपको बैक साइड में मैट फिनिश देखने को मिल जाएगी, जो कि एक बहुत ही बेटर स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है। तो गाइज, बात करें इसकी प्राइस को लेकर, तो ये स्मार्टफोन आपको 25 से लेकर 27,000 तक देखने को मिल जाएगा। और आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि ये स्मार्टफोन आपको कैसा लगा, क्या आप इस स्मार्टफोन को बाय करना पसंद करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की किसी भी स्मार्टफोन और टेक्निकल अपडेट से जुड़ी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।